कई बार डॉक्टर से सर कि वो खुद ही टीवी का बीमारी लेके जाते हैं यहाँ से, मतलब वो बनने आए थे डॉक्टर बन के जा रहे पेशेंट। हम हमेशा इंडेंजर में वर्क करते हैं, डर के माहौल में काम करना होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं, मजबूरी है, झेल रहे हैं। इमरजेंसी देखिए आपको अंदाजा लग सकती है वर्क कंडीशन में, यहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं बैठ के, यहाँ पे किसी की आंखों पर पर्दा नहीं है, सबको सब मालूम है, लेकिन सब कहीं ना कहीं पे चुप्पी छपा देते हैं। इस वर्क कंडीशन वर्क करने के बाद जो मेंटल ट्रॉमा के मेंटल टॉर्चर है यहाँ पे, तो डेली डर के काम करना पड़ रहा है यहाँ पे। कुछ लोग डॉक्टरों को मसीहा कहते हैं, कुछ लोग भगवान, लेकिन कुछ लोग डॉक्टरों पर नेग्लिजेंसी का आरोप लगाते हैं और उन पर हमला होता है। ऐसे में हम पहुंचे हैं बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये जानने के लिए कि इन डॉक्टरों की ज़िंदगी कैसी है, क्यों इन लोगों पर हमला होता है और किस तरह की ज़िंदगी ये जी रहे होते हैं। जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे पहले आपकी मुलाकात जूनियर डॉक्टर से होती है, तो आज हम अपने इस वीडियो में उन जूनियर डॉक्टर्स की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सोने के रूम में जो जीआर के सोने के जहाँ पे पीजी लोगों को सोने की व्यवस्था दी गई है, लोगों इसी का फोटो ले लीजिएगा, वो काम नहीं करता, बट ट्रिपल नाम का है, काम नहीं करता, और एक ही टॉयलेट है पेशेंट के लिए भी है, हमारे स्टाफ के लिए भी है, पेशेंट यूज करेंगे और सबके लिए कि हमारे इमरजेंसी कभी को दो दो दिन तक पानी नहीं आते, और इमरजेंसी देख के आपको अंदाजा लग सकती है वर्क कंडीशन में यहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं बैठे, सोने की डिफरेंट टाइम नहीं आप सो कर पा रहे हैं, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं ड्यूटी का अपना कलीग के साथ तो दो घंटे तीन घंटे आपको टाइम मिले, लेकिन हमारे इमरजेंसी की सिचुएशन ऐसी वर्स्ट है कि हमारे पास सोने की खबर यहाँ पे नहीं है। मैं सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock पे आया था, कल सुबह मतलब 24 hours 8 o'clock पर मेरा ड्यूटी खत्म होगा, उसके बाद में 9 o'clock मॉर्निंग कल सुबह मतलब एक घंटे की गैप के बाद में मुझे फिर दोबारा वार्ड जाना है, वो 9 o'clock से मेरा ड्यूटी एटलीस्ट 2 o'clock और 3 o'clock पर जाके खत्म हो जाए, मेरा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद में मैं जाके लंच करूँगा, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर 5 o'clock मुझे दोबारा वापस आना है फॉर इवनिंग राउंड्स। अभी तो जैसे इमरजेंसी आसपास हमारा डे रहता है तो लगातार कभी कभी 36 hours हो जाता है विदाउट एनी स्लीप, हॉलीडेज के नाम पे यहाँ पे कुछ हॉलीडेज नहीं मिलता, इवन संडेज को भी। रात को 2:30 बजे रहते थे, पेशेंट आया, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अंदर पेशेंट आया हुआ है, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, 15 से 20 आदमी इस रूम में एंटर किया जहाँ 10 आदमी खड़ा होने की जगह नहीं, रूम में मेन गेट से एंटर किया रूम में आके उन्होंने बोला यहाँ बैठ के तुम लोग बात कर रहे हो, पेशेंट सीरियस है, मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं, और सबके हाथ में कुछ ना कुछ थे या लाठी डंडा कुछ ना कुछ सबके हाथ में थे, तो हम लोगों ने किसी तरह से मैनिपुलेट करके इस रूम से बाहर निकले, क्योंकि अगर इस रूम से मैं बाहर नहीं निकलता, हम लोग 5 आदमी 6 आदमी जो भी थे यहाँ बैठे हुए, अगर हम बाहर नहीं होते तो हम लोग की बुरी तरह से हालत खराब होती, मार पड़ती है यहाँ पे। सेफ्टी समय बहुत बड़ा इशू है हम लोगों के लिए, सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखिएगा पूरे DMCH में साइड मेरे ख्याल से 40 गार्ड भी नहीं देखेंगे, अगर अभी आवाज़ लगा दें, ये अभी टाइम है क्योंकि ज़्यादातर वारदात जितनी भी होती है क्राइम की वो रात में होती है, यहाँ पे आए दिन चिंते होते रहते। कल रात को भी एक मेडिको स्टूडेंट के साथ गर्ल्स थी, इमरजेंसी ड्यूटी से खाना खाने वो रूम जा रही थी, यहाँ पर मोबाइल छीन ली गई, यहाँ पे लड़कियाँ अनशेप है, रात में ड्यूटी करने जाती है तो हमेशा शीटा कसी शेर खाने की शिकार होते हैं वो। ये ऐसा मतलब दौर है इसमें मतलब पूरा जो मतलब मैक्सिमम ट्रॉमा से जो आपको गुजर रहे हैं ना, शायद हम इस समय गुजर रहे हैं, इससे वर्ष के सिनेरियो मतलब कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं ऑल इंडिया से आया हूँ ना, तो मैं बाहर से मतलब UG किया, आने के बाद में मतलब जैसा सुना था ना वैसा कुछ भी नहीं मिला, और यहाँ पे आके जो कंडीशंस हैं इस समय DMCH का, शायद एक PHC जो PHC का बेटर कंडीशन रहता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, मेडिसिन अवेलेबल ज़्यादा मिलेंगी, यहाँ पे वो भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ता है, बेसिक ग्लव्स तक नहीं मिलते हैं। सर्जरी में अगर आप जाएंगे तो OT है, OT के अंदर AC नहीं काम करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, एक ही AC है, बड़ा OT है जिसमें 2 या 3 मतलब टेबल्स हैं, उसमें गाउन पहनने के बाद में मतलब ऐसा रहता है कि आप काम नहीं कर सकते, और कई बार आपको फेंट होना पड़ता है, तो इसके लिए फिर अलग से मतलब वो डिले हो जाता है पेशेंट के लिए। अगर आप मेंटली टॉर्चर होते हैं, मेंटली हरास होते हैं, काम पे इफेक्ट पड़ता है, अगर आप ये ड्यूटी कर रहे हैं फैसिलिटी नहीं मिल रही, अगर आप गर्मी से परेशान हैं, ऑब्वियस है पेशेंट का कंसंट्रेशन हमारी कम जाएगी, हम अगर परेशान रहेंगे तो ऑब्वियस है नेग्लिजेंस का केस हो सकता है वहाँ पे। क्या है कि यहाँ पे इन्फेक्शन की बात की जाए तो एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग फ्यूमिगेशन, OTs का, सबसे OTs की बात करेंगे, या फ्यूमिगेशन नहीं होता OT का, तो मेनली आप जिसको ऑपरेट करने जा रहे हैं वही इन्फेक्शन से मतलब नहीं है, स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो वही नहीं है,
तो बेसिकली जो ओटी आप जो कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से एकदम एसेप्टिव प्रिकॉशन में नहीं हो रहा। प्लस जो हम लोग डील कर रहे हैं डे टू डे उसमें, अब वो मेडिसिन वार्ड में चले जाइए, एक बड़ा सा वार्ड है जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट भी लेटा हुआ, एक एचआईवी पेशेंट भी लेटा हुआ, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट भी लेटा हुआ, एक कैंसर वाला पेशेंट भी लेटा हुआ, सब पेशेंट लेटे हुए एक साथ में। किसी का इन्फेक्शन किसी को लग रहा है वो ठीक होने आया था अपने इन्फेक्शन के लिए, साथ में दूसरा इन्फेक्शन लेके जा रहा है। अब उसी सिनेरियो में हम लोग भी काम कर रहे हैं, वो सेम सिचुएशन में हम भी काम कर रहे हैं। अब दूसरे पेशेंट से हमें कितना चांस है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कई बार डॉक्टर से सर कि वो खुद ही टीबी का मतलब बीमारी लेके जाते हैं डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे जिन्होंने पूरा का पूरा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ट्रीटमेंट लिया है, मतलब वो बनने आए थे डॉक्टर बन के जा रहे हैं पेशेंट्स, अब लेकिन कर क्या सकते हैं, मजबूरी है, झेल रहे हैं। हॉस्टल की हालत भी बहुत अच्छी हालत नहीं है, हमें 10x8 की रूम मिली हुई है, 50 से 60 लोगों के बीच में 5 बाथरूम है, 5 टॉयलेट है, जिसमें 2 से 3 हमेशा खराब रहते हैं, फंक्शन 2 से 3 रहते हैं, उसमें लाइन लगती सुबह में जब सबको ड्यूटी और जब रहती है लाइन लग जाती है। हाँ पढ़ के अच्छा डॉक्टर बनता है ये अपने ऊपर है, मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं कहीं पर रह के पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मुझे बोले कि एकेडमिकली यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, लाइब्रेरी कंडीशन देख लीजिए, आप वहाँ बैठ के पढ़ नहीं सकते, एसीज नहीं है लाइब्रेरीज के अंदर, वो एक कहने के नाम के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी खोल दिया इन्होंने कोई रिसर्च की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और जो हमारे क्लासेस होनी चाहिए सिस्टमेटिक क्लासेस नहीं होती पीजी की, जो राउंड पे होते हैं जो पेशेंट सर राउंड लेते हैं तो राउंड पे ही बताया जाता है पेशेंट, जो हमारी एक सिस्टमेटिक क्लास होनी चाहिए वो क्लास। डॉक्टर्स बाहर से बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लोअर प्रोफेशन है, पेशेंट के लिए काम करेंगे, है ना, थोड़ा सा रहता ही है सब लोगों का। लेकिन जैसे जिस मतलब सिनेरियो में हम इस समय काम कर रहे हैं, इस समय ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ और ब्रांच लिया होता आज मैं तुम्हारा होता, मतलब क्यों इतनी मेहनत करी, इससे अच्छा तो मैं IAS की तैयारी करता, कम से कम कलेक्टर होता,